चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरदार शहर में मंडल रेल प्रबंधन एसके श्रीवास्तव ने रेल सेवा बहाल करने का संकेत दिया। सामाजिक संगठन लॉकडाउन में लंबे समय से बंद रेल सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। एक साल से बंद रेल सेवा की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके अलावा लोग चार गुना ज्यादा पैसे देकर यात्रा कर रहे थे। रेल मंडल प्रबंधक एसके श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान रेल सेवा शुरू करने का संकेत दिया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने डीआरएम को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ तक रेल सेवा के विस्तार की मांग की। डीआरएम ने खाली जमीन पर पार्क विकसित करने, रेलवे के पास सड़क के नवीनीकरण और ट्रैक से पानी के निकलने की मांग पर स्वीकृति दी। कोई डेट मैं दे सकूं वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय मेरे लेवल पर नहीं लिया जा रहा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये ट्रेनें बहाल हो सकें। तो इसी कनेक्शन में आज आना भी हुआ, क्योंकि बहुत समय से कोई सेक्शन बंद रहता है तो कई बार शिथिलता आ जाती है देख करके कि पूरी तरह से तैयारी है नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए आज का वो इंस्पेक्शन रखा था। अब वो दो तीन और सुझाव आए हैं उन पर अलग से देखेंगे, लेकिन ये जो पहले जो ट्रेन तीन ट्रेन चलती थी, पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पहले उनको स्टेटस को बहाल किया जाए, उसके बाद फिर आगे की फैसिलिटीज़ की।